यमुना नदी के कालंदी कुंज बॉर्डर पर छठ पूजा पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर डीसीपी रामबदन सिंह ने पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। प्राधिकरण ने यमुना नदी के किनारे बने घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। छठ पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना को देखते हुए 250 पुलिस कर्मियों को छठ घाट के आसपास सुरक्षा में तैनात रहने को कहा गया है। साथ ही स्नान करते समय किसी श्रद्धालु के डूबने की घटना से बचने के लिए गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।